मेरे साथ कुमारी शैलजा हैं, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता। मैम, सुबह जो रुझान आ रहा था कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चली गई थी, अब बीजेपी आपसे आगे निकलती हुई दिख रही है, क्या कहेंगी जो ट्रेंड अभी आ रहे हैं हरियाणा? नहीं नहीं, आप देखो ऐसा नहीं है, हम जमीन की बात देख रहे हैं, जमीन की बात बोल रहे हैं, और आप देखेंगे जैसे जैसे ट्रेंड आगे चलेंगे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ये आप बाय एंड ऑफ द डे या काउंटिंग जब भी खत्म होगी 2-1 बजे तक, तब तक आप देख लेंगे कांग्रेस पार्टी, और आप कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार बनाएंगे, लेकिन ट्रेंड्स अचानक बदल गए हैं, एक एक तरह का चेंज दिखाई। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ राउंड्स होते हैं, हमें मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट कब टेकअप होती है। हरियाणा में सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की बन रही है तो वजह क्या, 10 साल बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है या कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है, सब लोग मिलकर लड़े? दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं, 10 साल की भारी एंटी इनकम्बेंसी, मिस रूल ऑफ बीजेपी, और दूसरा क्रेडिबल अल्टरनेटिव इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के हमने चुनाव लड़ा है, जमीन पर लड़ा है, हमारे नेतृत्व ने लड़ा है, राहुल गांधी जी की गाइडेंस रही है, तो आप देखेंगे कि चुनाव हम जीतेंगे और सरकार हम बनाएंगे। सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी आपकी बरकरार रहेगी मैम? देखिए दावेदारी और ये चलता रहेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल हम हैं उसमें, हम हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये कुमारी शैलजा जो कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं, जो ट्रेंड बदले हैं उस पर उनका ये कहना है कि अगले कुछ देर में ये ट्रेंड एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगा। कैमरामैन नदीम के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।